जगह पे पढ़ा था अरबी के, तो कहते हैं कि या अल्लाह या आज़ाब अल्फाज़ फी लुगाती, तो मैं जब कहता हूँ ना या अल्लाह तो मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि जैसे मेरी जुबान में अगर कोई सबसे खूबसूरत तरीन लफ्ज या ऐसा लफ्ज जिसको सुन के आपका पोर पोर खुश हो जाए वो या अल्लाह है। तो या अल्लाह और अल्लाह का लफ्ज सुन के और अल्लाह का नाम पुकार के अगर इंसान को अपने पूरे जिस्म के अंदर वो खुशी महसूस ना हो तो वो मेरे ख्याल से उसका ताल्लुक अल्लाह ताला की जात के साथ उस लेवल पे नहीं आया। और किसी से अल्लाह का नाम सुन ले और उसके कानों के अंदर शरीनी ना घुल जाए, उसके कानों के अंदर वो ना चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। आप देखें कि अगर किसी के साथ आपको मोहब्बत होती है तो आपके महबूब का नाम किसी के सामने आता है, आपके महबूब की कोई तारीफ करते हैं, उसके बारे में कोई अच्छी बात करते हैं तो आपके जज्बात बदल जाते हैं, चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। पता चलता है कि यार बाप के सामने जब बेटे की तारीफ हो रही होती है ना या बेटे को दुनिया मार रही होती है तो बाप की जो अंदर से मोहब्बत होती है ना वो चेहरे से हया हो रही होती है। तो अल्लाह ताला के साथ जब हमारी मोहब्बत या अल्लाह जब अल्लाह को पुकारे, उस कॉन्फिडेंस के साथ पुकारे, उस ईमान के लेवल के साथ पुकारे, और फिर जब इंसान ये तसव्वुर करके अल्लाह ताला को पुकारे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा मुझे अपने वो अपनी नफ्स में मुझे याद करता है तो मैं भी उसको याद करता हूँ, लेकिन जब वो मेरा जिक्र फी मला, जब वो लोगों के अंदर मेरा जिक्र करता है तो मैं उसका जिक्र उन मला में करता हूँ जो उससे कहीं बेहतर, यानी कि अल्लाह ताला फरिश्तों में जिक्र कर रहे होते हैं। तो आप तसव्वुर करें इस बात का, मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा नाम तो कि मैं इंसान, मेरी औकात क्या है, मैं क्या हूँ अल्लाह के सामने, मैं इतना गुनाहगार, मैं दिन रात अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा हूँ, मैं वो जो अहकामात अल्लाह ताला ने मुझे जिस तरह का बंदा अल्लाह ताला मुझे देखना चाहते हैं मैं किसी सूरत जिस तरह का बंदा नहीं बन पाता, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाता, लेकिन सुभान अल्लाह अल्लाह जल्ला जलालू मेरा नाम अल्लाह ताला जिक्र करेंगे अपने फरिश्तों के अंदर कि ये मेरा बंदा है। और वो दूसरी हदीस में भी आता है कि अल्लाह ताला एक बंदा सच बोलता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसे दीप लिखा जाता है, फिर अल्लाह ताला जिब्रील को बुलाते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं कि जिब्रील ये फलां बिन फलां मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो अल्लाह ताला अब खुद जिक्र करते हैं। हमारे यहाँ लोगों की चाहत होती है कि यार फलां बंदे के मुंह से मेरा नाम निकल जाए, फलां बड़ी सेलिब्रिटी है वो मेरा नाम लेकर मुझे शॉर्ट आउट दे दे, मेरा नाम मेरी पोस्ट को फेसबुक पे शेयर कर दे, लोग तरले मिनते ले रहे होते हैं दूसरे लोगों के। तो ये वो सब इंसान है, तमाम इंसान मैं कहता हूँ इस दुनिया की तमाम सेलिब्रिटीज, इस दुनिया के तमाम बड़े बड़े स्टार्स इकट्ठे हो रहे हैं अल्लाह ताला के मुकाबले में उनकी खाक बराबर भी कोई वक्त नहीं है। तो हम ये चाहें कि हमारा जिक्र यहाँ पर लोगों के अंदर हो रहा हो, हम यहाँ पर लोगों के लाइक्स ढूंढ रहे हो, हमें अल्लाह ताला की तरफ से पसंदीदगी ढूंढनी चाहिए और हमें अपने फॉलोवर्स, मेरे ख्याल से हमें फरिश्तों में अपने फॉलोवर्स ढूंढने चाहिए, जैसे कि हम अपने फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि क्या अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं, क्या अल्लाह ताला आपको पसंद करते हैं, तो अगर खैर की बात, भलाई की बात आपके दिल पर असर करती है, अगर वो आपके दिल को झंझोड़ती है, बदअमली होना एक अलग बात है, आप अमल नहीं कर पा रहे, सो खामियाँ हो सकती है, मेरे में सो खामियाँ होगी और लोगों में सो खामियाँ होंगी, लेकिन अगर वो भलाई की बात आपके दिल पे असर कर रही है तो आप समझिए कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। फ़िर्रू इलल्लाह, तो अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ो, फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह की तरफ भाग पड़ो। और जो अल्लाह ताला की तरफ एक बलिश्त अल्लाह ताला की तरफ आता है, अल्लाह ताला एक ज़रा उसकी तरफ आते हैं, जो चल के अल्लाह ताला की तरफ जाता है अल्लाह ताला भाग कर आते हैं उसकी तरफ। तो अगर आपको दीन अल्लाह ताला ने किसी जरिए से रसूल ने फरमाया कि मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिस इंसान को पसंद करते हैं उसको दीन की समझ बूझ अता फरमा देते हैं, और अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर दिलों पर जंग लग जाएगी, फिर दूर हो जाएंगे। और अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज़ मिल रही है तो ऐसे वेन्यूज के साथ जुड़ जाएं जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, ऐसे वेन्यूज के साथ जुड़ जाए जहाँ पर किसी न किसी जरिए से आपको अल्लाह ताला की रजा मिले, आपको अल्लाह ताला के साथ जुड़ा जाए, तो उन वेन्यूज के साथ जुड़ना, उन सोहबतों का इख्तियार करना आपको अल्लाह ताला के और करीब कर देगा। और अगर आप किसी ऐसी सोहबत में चले गए जहाँ पर अल्लाह ताला की मासीयत है, जहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं जो अल्लाह ताला से दूर करने वाले, हर किसी को पता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो अल्लाह से उसको करीब करती है, अल्लाह से दूर करती है, तो ऐसे वेन्यूज को तलाश करें जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। वो फिर हदीस भी आती है कि रसूल ने फरमाया कि जब लोग एक घर में एक जगह पर जमा होते हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला फिर फरिश्तों में जमा होकर उनका जिक्र कर रहे होते हैं और फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं।